अगर समाजवादी की सरकार रही तो मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा, अंतबा ही था। अगर दबदबा ही था, माफिया गर्दी थी या डॉन गर्दी थी तो वो चार चार पांच पांच बार विधायक कैसे बन गए हैं? वो मुकदमे भी कोई फर्जी नहीं लिखवा सकता। हालांकि आरोप प्रत्यारोप है, वो लगता रहेगा कि अफजल अंसारी को संवेदना का वोट मिल जाए। कहीं ना कहीं जातिवाद तो है पूर्वांचल के, खासकर इस सीट पर। मंत्री मंच से ये बात कहते हैं कि माफियाओं को हमने ख़त्म कर दिया, गुंडागर्दी को हमने ख़त्म कर दिया, बाहुबली जो हुआ करते थे वो ख़त्म हो गए। अब मुख्तार अंसारी के जाने के बाद समीकरण यहाँ पर बहुत चेंज हुए हैं। अभी भाजपा भी इसी मंथन में है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई, उनके बाद अफजल अंसारी को संवेदना का वोट मिलने के चांसेस हैं। तो आखिर कौन वो चेहरा होगा जो सबको साध के चलेगा, जातियों को साध के चलेगा, और ख़ासकर ऐसे वक्त पर, इस टाइम पर कौन यहाँ से सीट निकाल पाएगा? कुछ लोग मुख्तार अंसारी को बाहुबली बोलते हैं, कुछ उनको माफिया बोलते हैं, कुछ डॉन बोलते हैं, लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर जो भीड़ आई, उनके समर्थन में जो भीड़ उतरी, उनके लिए जो लोग वहाँ पर गुजरे आए, उनसे जब सवाल किया गया कि वो तो डॉन की श्रेणी दे दी गई, बाहुबली थे, तो उन्होंने कहा कि बाहुबली या डॉन या माफिया कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम तो उनको मसीहा मानते हैं। IS 191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी का ये गजल होटल है जो लगभग कुछ महीने पहले इसे प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया था, हम कहें बुलडोजर चल गया था। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका सुशील तिवारी गाजीपुर जनपद में इस समय मैं खड़ा हूँ, जहाँ पर हम सीधे बात भी करेंगे आखिर लोगों की राय क्या है। और लोकसभा के रुझानों की बात करें तो लोगों का यही कहना है कि हो सकता है कि अफजल अंसारी को फ़ायदा हो सकता है। और चुनावी समर में हम लोगों का मूड जानने के लिए ग्राउंड जीरो से आए हैं। भैया आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विनोद है। विनोद सर, अगर हम गाजीपुर के राजनीति की बात करें तो काफ़ी करीब से आपने देखा है, यहाँ पे मनोज सिन्हा जी भी रहे जो कि चुनाव हारे, और आपने नज़दीक से भी देखा था मुख्तार अंसारी के इंतकाल के बाद। अगर मैं आपसे कहूँ तो माहौल क्या होगा? देखिए, माहौल तो इस वक्त हो सकता है कि अफजल अंसारी को संवेदना का वोट मिल जाए, क्योंकि 2019 में देखा गया कि अफजल अंसारी यहाँ से सांसद बन के गए, लेकिन जो मैं यहाँ की पृष्ठभूमि समझ पाया, यहाँ की राजनीति को समझ पाया, कहीं ना कहीं जातिवाद तो है पूर्वांचल के, और ख़ासकर इस सीट पर। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि 2019 में बसपा और सपा का गठबंधन था, बुआ के साथ कहीं ना कहीं भतीजे का एक गठबंधन था, तो वो लाभ दे गया। हालाँकि वो लाभ बसपा वालों को ज़रूर देकर गया, सपा को नहीं देकर गया, लेकिन इस बार बुआ और बबुआ का, यानी कि बुआ भतीजे का गठबंधन हालांकि नहीं है, कांग्रेस से गठबंधन है, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कुछ इतना बड़ा प्रभावशाली वोटर नहीं है। और ख़ासकर इस पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल में हालांकि समाजवादी पार्टी मजबूत है, साइकिल की स्थिति मजबूत है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, और जब मुख्यमंत्री मंच से ये बात कहते हैं कि माफियाओं को हमने ख़त्म कर दिया, गुंडागर्दी को हमने ख़त्म कर दिया, बाहुबली जो हुआ करते थे वो ख़त्म हो गए, तो उससे कहीं ना कहीं ये दूसरा पहलू भी देखने को मिलता है कि भाई जनता क्या इस पर भी ध्यान देगी, या फिर जनता संवेदना का वोट अफजल अंसारी को दे देगी। अब मुख्तार अंसारी के जाने के बाद समीकरण यहाँ पर बहुत चेंज हुए हैं। अभी भाजपा भी इसी मंथन में है कि मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई, उनके बाद अफजल अंसारी को संवेदना का वोट मिलने के चांसेस हैं। तो आखिर कौन वो चेहरा होगा जो सबको साध के चलेगा, जातियों को साध के चलेगा, और ख़ासकर ऐसे वक्त पर, इस टाइम पर कौन यहाँ से सीट निकाल पाएगा? अगर हम आपसे कहें, मोहंदाबाद आप गए थे, गांव के उन पगडंडियों तक आपने कूच किया जहां तक शायद कम लोग गए, क्या लगा आपको? बहुत सैलाब तो था। कुछ लोग मुख्तार अंसारी को बाहुबली बोलते हैं, कुछ उनको माफिया बोलते हैं, कुछ डॉन बोलते हैं, लेकिन जब हम वहां गए तो वहां पर जो भीड़ आई, उनके समर्थन में जो भीड़ उतरी, उनके लिए जो लोग वहां पर गुजरे आए, उनसे जब सवाल किया गया कि वो तो डॉन की श्रेणी दे दी गई, बाहुबली थे, तो उन्होंने कहा कि बाहुबली या डॉन या माफिया कुछ लोग कहते हैं, लेकिन हम तो उनको मसीहा मानते हैं। हालांकि जो लोग उनके पास जुड़े, उनके साथ जुड़े, वो उनको मसीहा की उपाधि दे रहे हैं। लेकिन दूसरा पहलू भी है भाई, कृष्णानंद हत्या देख लीजिए या सचिनानंद हत्या देख लीजिए, तमाम तरीके के वो प्रकरण भी रहे जो आज भी कहीं ना कहीं, जिनकी वजह से, जिन पुराने 65-66 जो मुकदमे मुख्तार अंसारी पर रहे, जिनकी वजह से दो बार उनको जीवित रहते हुए दो बार उनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, हालांकि उनकी तबीयत नासार रही और हार्ट अटैक आ गया, लेकिन उस पर भी आरोप ये लगाया गया कि भाई मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन दिया गया था, स्लो पॉइजन देने की वजह से उनकी जो है मृत्यु हुई। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, कोर्ट कचहरी
कानून, प्रशासनिक व्यवस्थाएं, ये शब्दों पर नहीं चलती, ये कहीं ना कहीं संगठन पर चलती है। कहीं ना कहीं बात आपकी जो श्रेणी होगी, यानी कि कानून है, मेडिकल रिपोर्ट आई है, मेडिकल में कहा गया है कि उनको हार्ट अटैक आ गया, तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि चुनाव पर इस बार इस सीट पर बड़े फाइट है। अगर हम गाजीपुर की बात करें तो लोग कहते हैं कि जिला कारागार गाजीपुर में जब मुख्तार अंसारी थे, लोगों का ये कहना है, मीडिया ये दिखाता भी है कि वहाँ पे उनको मछली के लिए तालाब खुदवाया, बैडमिंटन खेलते थे। अगर मैं आपसे कहूँ, क्या आपने देखिए, आरोप प्रत्यारोप हैं, ये सरकारें अपने हिसाब से होता है, आरोप प्रत्यारोप है। हाँ, ये बात सत्य है कि भाई जब अगर समाजवादी की सरकार रही तो मुख्तार अंसारी का दबदबा रहा, अंसारी परिवार का दबदबा रहा, ऐसा नहीं कह सकते। उनके परिवार में लोग विधायक भी हैं, उनके बेटे विधायक हैं, उनके भाई सांसद हैं, वो खुद 4 से 5 बार विधायक रहे हैं। एक दबदबा भी कह सकते हैं इसको, और इसको जनता का प्यार भी कह सकते हैं। ये तो नहीं कि भाई दबदबा ही था, अगर दबदबा ही था, माफिया गर्दी थी या डॉन गर्दी थी, तो वो 4-4, 5-5 बार विधायक कैसे बन गए? एक बार कोई व्यक्ति दे सकता है डरावने में, धमकाने में वोट। लेकिन हाँ, इससे भी गुरेज नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके की पृष्ठभूमि उनकी रही है, जो मुकदमे उन पर लिखे गए हैं, वो मुकदमे भी कोई फर्जी नहीं लिखवा सकता। हालांकि आरोप प्रत्यारोप है, वो लगता रहेगा, लेकिन इस वक्त उत्तर प्रदेश में, खासकर इस गाजीपुर सीट पर, बड़ा मंथन भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, बड़ा मंथन बसपा भी कर रही है कि अफजाल अंसारी की टक्कर कौन लेगा। IS-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी को कहा जाता है, और उनकी जो बीबी है उन पर मऊ में 25,000 का इनाम, गाजीपुर की पुलिस ने 50 रखा, क्या उनको सरेंडर कर देना चाहिए? सरेंडर करना चाहिए, उनको कानूनी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। देखिए, कानून कानून है, मुकदमे मुख्तार अंसारी पर भी हैं, अफजाल अंसारी पर भी हैं, मुकदमे उनके बेटे पर भी हैं, अतीक अहमद पर भी मुकदमे थे, तो ये कानूनी प्रक्रिया, फरार होना कोई किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं है। आप फरार हो जाएं, एक ना एक, देखिए कानूनी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं लगी हुई हैं, आपको एक ना दिन कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे, आपको कहीं ना कहीं से लेकर आएंगे। लेकिन आप खुद आइए, आप प्रेजेंट होइए, आप अपनी लड़ाई कानूनी तौर पर लड़िए, आप कोर्ट जाइए, कानूनी तौर पर लड़ाई लड़िए आप, तो उससे हो सकता है कि कानूनी तौर पर आप लड़ाई लड़ेंगे तो आपको कानून से न्याय मिलेगा। अगर पूर्वांचल की बात करें तो लोग कहते हैं कि एक जातिगत लोग हैं, उनको ही परेशान किया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं, पूर्वांचल जितना आपने घुमा, किसी एक जाति बिरादरी को ही टारगेट किया जाता है, बहुत और भी लोग हैं, बाहुबली हैं, माफिया। जातिवाद तो पूर्वांचल में मैंने देखा, मैं हालांकि पश्चिम उत्तर प्रदेश से हूं, लेकिन जातिवाद की राजनीति पूर्वांचल में चलती है। विकास की चाहे बात अखिलेश यादव कर लें, विकास की बात योगी आदित्यनाथ कर लें, विकास की बात प्रधानमंत्री मोदी कर लें, विकास की बात मायावती कर लें, लेकिन यहाँ का चुनाव लास्ट मोमेंट पे जातीय समीकरण पर ही लड़ा जाता है, ये मैं समझ गया हूँ यहाँ से। यार, जितना समय दिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका आभार।